तो मम्मा जी फिर क्या रिपोर्ट है? आकाश जबरदस्त रिपोर्ट है, जबरदस्त। नमस्ते आदाब सत श्री अकाल केम छो, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग अनलिमिटेड। तो गाइस थिंग्स टू डू इन नियाग्रा फॉल्स सिटी के पहले पार्ट में आपने देखा जर्नी बिहाइंड द फॉल्स एंड वर्लपूल एरो कार। अब आप इसके सेकंड पार्ट में देखेंगे बटरफ्लाई कंजर्वेटरी, व्हाइट वाटर वॉक, क्लिफ्टन हिल एंड अदर अट्रैक्शंस। तो चलिए इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो जी वर्लपूल एरो कार से निकलने के बाद हम अब जा रहे हैं बटरफ्लाई कंजर्वेटरी, कि उसका रास्ता है बहुत सुंदर है और ये सारा नियाग्रा बोटैनिकल गार्डन है जिसके अंदर से होके हम जा रहे हैं। गाड़ी पार्क कर दी है यहाँ पे, पार्किंग पास मेरे पास है जो $20 का पास है, वो होल डे चलता है। तो हर जगह जो भी मेन नियाग्रा पार्क्स की अट्रैक्शंस है वहाँ वो पास वैलिड है, तो मुझे बार बार पार्किंग टिकट बाय करने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली हर जगह ऐसे ही करते हैं लोग कि फोटो खींच लेते हैं, आपको नंबर दे देते हैं और जाते हुए जब आप एग्जिट करेंगे आप वहाँ पे अगर नंबर दिखा के फोटो लेना चाहें तो ले लीजिए, नहीं तो ये आपके ऊपर है कि आप मना भी कर सकते हैं। जिसमें इन्होंने बैकग्राउंड पीछे बटरफ्लाइज का रख देना है। ओ तेरी क्या बात है, बटरफ्लाइज ही बटरफ्लाइज। ओवे कितने सारी है, ऊपर देखो यहाँ पे 2000 से भी ज्यादा बटरफ्लाइज है और 45 डिफरेंट स्पीशीज की, जो मोस्टली कोस्टारिका, एल सल्वाडोर और फिलीपींस से मतलब मंगाई गई हैं, और जो दूसरी हैं वो यहीं रेस करी गई हैं, जो बाकी की हैं 60% वहीं से ही हैं, बाहर की बटरफ्लाईज हैं। ये तो कुछ डिज़ाइनर बटरफ्लाई लग रही है मुझे, कितनी बड़ी है यार वो। सो एज वी ऑल नो कि बटरफ्लाई की चार लाइफ स्टेजेस होती हैं, द एग, द कैटरपिलर, द कोकून एंड द एडल्ट बटरफ्लाई। ये सब हमने कभी ना कभी स्कूल में पढ़ा जरूर हुआ है बट कभी देखा नहीं था मैंने, तो आज देख के काफी अच्छा भी लग रहा है। लंच टाइम, भाई सब काफ़ी डिफरेंट कलर्स की और डिफरेंट स्पीशीज की बटरफ्लाइज है। ओवर 2000 बटरफ्लाइज है इधर, 45 डिफरेंट स्पीशीज की। कुछ खाना खा रही हैं, कुछ अभी पैदा हो रही हैं, कुछ उड़ रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ डिफरेंट देखा है बहुत टाइम बाद, कुछ डिफरेंट। तो मम्मी और अश्विना आप लोग आए हो पहले ऐसी जगह पर? नहीं, पहले कभी नहीं।
इतनी बटरफ्लाइज लाइफ में नहीं देखी गई, मतलब सुपर सुपर अमेजिंग, शांति है, कोजीनेस है, वो उनका टेम्परेचर सेट है कि बटरफ्लाई सुपर टेम्परेचर चाहिए होता है, और अच्छा लग रहा है, काफ़ी डिफरेंट चीज़ देखी है बहुत टाइम बाद। तो ये जो आप देख रहे हैं कोई शोपीस नहीं है, ये ओरिजिनल बटरफ्लाइज हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज की और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की, इनके प्राइजेज ये रहे। देख लो जी फोटोशूट हो रहा है इंडियन कपड़ों में, इंडियन अटायर में। वर्लपूल एडवेंचर कोर्सेज बेसिकली ये ऑब्स्टेकल गेम है जिसके तीन तरह के कोर्सेज हैं, क्लासिक, फॉर किड्स एंड एक्सट्रीम, और इसकी प्राइसिंग आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। ये इसके टाइमिंग्स हैं, सो जितनी भी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं सब जगह मास्क मैंडेटरी हैं और डिस्पोजेबल मास्क भी अवेलेबल हैं। दूसरा है सैनिटाइज़र आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो सेफ्टी मेजर्स का पूरा ध्यान रखा गया है। वाह भाई वाह, वाइट वाटर वॉक अराउंड 230 फीट डाउन है और अराउंड 23 स्टोरीज, और लिफ्ट से ओनली हमें 30 सेकेंड्स लगे, और जो वर्लपूल है ये अप्रॉक्स 4200 ईयर्स से भी पहले से है यहाँ पे, 3 किलोमीटर दूर है नायग्रा फॉल से, पानी 48 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है और यहाँ क्लास 6 के रैपिड बन रहे हैं। वाओ भाई साहब, बवाल है बवाल भाई। तो जी अब एक चेक पॉइंट से निकल के दूसरे पे जा रहे हैं और चीज़ देखने वाली है यार, मुझे ताज्जुब होता है कि मैं इतने टाइम से रह रहा हूँ पर मैंने मिस कैसे कर दी थी अच्छी चीज़। ये जिस चेक पॉइंट पे हम अभी गए थे तो कुछ भी नहीं था, आगे तो कमाल है धमाल है, मुझे यहीं से दिख रहा है, चक्कर आ रहे हैं मुझे, देख सकते हैं आप कमाल है यार। मम्मा जी फिर क्या रिपोर्ट है? आकाश जबरदस्त रिपोर्ट है, जबरदस्त। अच्छा अभी जब मैंने क्या किसी को बताया नहीं है, मम्मा जी का बर्थडे था लास्ट वीक, तो मेरी तरफ से एक गिफ्ट है उनको, जितनी भी टिकटे हैं, मतलब हमने कहा कि हमारे साथ चलो, तो मैंने उनका भी एक पास बाय कर लिया, तो वही मेरा गिफ्ट है उनको। थैंक यू। तो आपको कैसा लगा मेरा गिफ्ट? बहुत बढ़िया आकाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। चलो आशीर्वाद और दुआओं में याद रखो, और क्या करना है हमें जिंदगी से, क्या लेना है और क्या देना है। इतना सुंदर है तस्वीर, तो आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, इतना तेज पानी इतने फ्लो के साथ, और अभी तक और का एक्सपीरियंस भी नहीं देखा, अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा था? ओवरऑल अमेजिंग। अब ये प्लान है कि अब हम जा रहे हैं क्लिफ्टन हिल, जो मोस्ट हैपनिंग एरिया है यहाँ का,
और सारे छोटे छोटे बार्स हैं, पैटियोज हैं, सारा खाने वाने का स्टफ उधर ही है। ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं इसके पीछे, शेड के पीछे, ये रेनबो ब्रिज है, कनाडा यूएस को कनेक्ट करता है, पर अभी तो बॉर्डर्स बंद है ड्यू टू कोविड। ये बिल्कुल वाइट वाटर की जो एंट्रेंस है उसके सामने एक बुद्धिस्ट टेम्पल है, काफी सुंदर लग रहा है। हमने चेक किया पर अंदर नहीं जा सकते, यहाँ पे बंद है। तो लो जी, अब हम जिस रोड पे हैं इसका नाम है क्लिफ्टन हिल, और ये नायग्रा सिटी का दिल भी है। मुझे अच्छे से याद है जब हम लास्ट आए थे कोविड में, और तब बिल्कुल यहाँ पे सुनसान पड़ा और सब कुछ, पर अब जैसे कि आप देख सकते हैं काफी चहल पहल है। और यहाँ पे आपको बच्चों और बड़ों के लिए काफी चीजें करने को मिलेंगी, जैसे कि काफी सारी आइसक्रीम शॉप्स हैं यहाँ पे, आप अच्छी अच्छी आइसक्रीम खा सकते हैं। हॉन्टेड हाउसेस है यहाँ पे, स्काई व्हील लाइक लंदन आई, गो कार्टिंग भी है, और अगर बियर पीने का शौक रखते हैं तो नायग्रा ब्रूरी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, और डायनासोर गोल्फ क्लब है, सारा ये आर्टिफिशियल बनाया हुआ कंसेप्ट। और जो पहाड़ आप देख रहे हैं इसमें से टाइम टू टाइम एक फ्लेम, एक आग भी निकलती है, और पार्किंग का रेट ऑलमोस्ट यहाँ पे $20 है फ्लैट फॉर होल डे। और तो चलिए अब यहाँ का टेस्ट करते हैं बेस्ट फनल केक। तो ये हरी फनल की जिसकी मैं बात कर रहा था, इसका नीचे का बेस वार्म होता है, और ये वनीला आइसक्रीम है, साथ में स्ट्रॉबेरीज हैं और स्ट्रॉबेरी सिरप भी डाला हुआ उस पर। तो आपको टेस्ट करता हूँ और बता अल्टीमेट। मैंने ब्रैम्पटन में बहुत ढूंढा, ऐसा फनल केक नहीं मिलता, ये मिलता सिर्फ इसी लोकेशन पे यार, एक ही है नायग्रा सिटी में, जबरदस्त। तो गाइज ये था नायग्रा सिटी का टूर, काफ़ी चीज़ें घूम ली आज, काफ़ी पैसे भी लग गए, कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ बननी चाहिए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, एंड स्टे हेल्दी, बी सेफ, एंड कीप वॉचिंग एक्सप्लोरिंग अनलिमिटेड। थैंक यू सो मच।